बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर आप अपना रियल स्टेट के अंदर पैसा बनाना चाहते हैं, सबसे स्टेबल सबसे बेहतर तरीकेकार है कमर्शियल्स के अंदर रेंटल प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करने का। ना सिर्फ आप कैपिटल गेन्स हासिल करेंगे बल्कि आप अपने एक परमानेंट कैश फ्लो डेवलप कर लेंगे जो आपको हर साल इनकम देगा, और उस इनकम के साथ आपको लिक्विडिटी और बहुत सारे फवायद आपको मिलते हैं। सर, योर फेल सेफ, आप बिजनेसेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये आपके लिए एक फेल सेफ के तौर पे काम करता है। रेंटल प्रॉपर्टीज के ऊपर जब बात करें तो इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं। या हमारे पास आते हैं शॉप्स जो हमारे पास मॉल्स के अंदर है, बड़े रिटेल एरिया जिस तरह बड़े मॉल्स बन रहे हैं स्पेशली, इसी तरह हमारे पास कमर्शियल प्लाजाज या ऑफिसेस। ये तीन चीजें बेहतरीन है। आज हम आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट DHA लाहौर के अंदर डेवलपमेंट से, और वो है गोल्डक्रेस्ट मॉल, जिसके अंदर इस वक्त हमारे पास रिटेल में आउटलेट्स अवेलेबल हैं और ये Phase 3 और Phase 4 के जंक्शन के ऊपर मौजूद है। अब इससे पहले हम एक आर्टिकल इस बारे में लिख चुके हैं कि जी के कमर्शियल प्रॉपर्टीज को जब आपने एवेल्युएट करना है तो उसके लिए आपके पास कौन से 7 फैक्टर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 1, लोकेशन। 2, रेंटल वैल्यूएशन, फिर टेनेसी, उसके अलावा उसका नेबरहुड, टाउन प्लानिंग, ट्रेंड और अमेनिटीज। अगर ये 7 चीजें जो है किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर बेहतर हैं तो ना सिर्फ आप बहुत अच्छे कैपिटल गेन्स हासिल करेंगे बल्कि आप बहुत अच्छे जो इसके अंदर है रेंट्स भी ले सकते हैं। जब लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन के अंदर बेसिकली आपने ये देखना है कि वहां पर लोकेशन जो है एक प्राइम लोकेशन हो, प्रीमियम जगह के ऊपर मौजूद हो, इजीली फाइंड सर्चेबल हो और लोगों को उसके अंदर जो है वो ज्यादा ढूंढना ना पड़े। कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की फ्यूचर जो है इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, आप ये देखेंगे कि उस जगह के ऊपर जो है रेंटल वैल्यूएशन क्या है, यानी वहां पे लोग क्या रेंट देने को तैयार हैं, और अगर ज्यादा रेंट मिल रहा है तो इसका मतलब है वहां पे बड़े ब्रांड्स, बड़ी कंपनीज, बड़े ऑफिसेस, कॉर्पोरेट ऑफिसेस ही खुलेंगे। इससे आपको अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बड़े अच्छे तरीके से पता चल सकता है। तीसरी बात, टेनेंसी। रेंटल वैल्यूएशन और टेनेंसी मिलते जुलते हैं। क्या वो बिल्डिंग इस चीज के लिए फिट है, या वो प्लाजा है, या वो शॉप है, या वो कॉर्पोरेट ऑफिस है जिसके अंदर बड़ा ब्रांड, बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस, मल्टीनेशनल आके बैठना चाहेगी, और अगर वो आके बैठना चाहेगी और हाई एंड क्लाइंटल टेनेंट जो है आप उसको एंटरटेन कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली उसका फायदा ज्यादा होगा फ्यूचर में। अगर आप ऐसी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लेंगे जिसके अंदर आप लो टू मिडल एंड क्लाइंटल को एंटरटेन कर रहे होंगे, टेनेंट्स को एंटरटेन कर रहे होंगे, तो वो आपको लॉन्गर टर्म के अंदर कम गेन्स देगी। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है नेबरहुड। नेबरहुड बेसिकली मींस के उस सराउंडिंग एरिया में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। वहां पे लेट सपोज अगर आप एक रिटेल एरिया की बात कर रहे हैं तो क्या वहां पर पॉपुलेशन है जो उस रिटेल एरिया को सपोर्ट करे, और अगर वो पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है तो किस किस्म की पॉपुलेशन है। क्या वो एक हाई मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, और आपका कमर्शियल उसी तरह से बिहेव करेगा। हमारा 5वां पॉइंट वो है टाउन प्लानिंग। अगर आप किसी प्लान्ड टाउन के अंदर, जैसे DHA लाहौर है, बहरिया है और बहुत सारे प्लान्ड टाउन है, उसके अंदर कमर्शियल जो है वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर मौजूद होते हैं, इसी वजह से वहां पे कमर्शियल्स की वैल्यूज अच्छी बनती है, तो क्या वो टाउन प्लानिंग के अंदर आपकी जो लोकेशन है क्या वो सेंट्रल है, और क्या उस सेंट्रल लोकेशन के अंदर फ्यूचर के अंदर टाउन प्लानर्स ने क्या सोचा है कि यहां पर क्या होगा। क्योंकि आप और मैं जिस तरीके से सोचते हैं, टाउन प्लानर्स और तरीके से सोचते हैं, उन्होंने वहां पर आपकी किसी भी सोसाइटी के अंदर लो एंड से मिडिल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज को भी लुक आफ्टर करना है। आपको इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए अपनी सोसाइटी के अंदर, आपको प्लम्बर के लिए भी एक दुकान चाहिए, आपको दुपट्टा रखने वाली दुकान भी चाहिए, प्लस आपको जो है कॉर्पोरेट ऑफिस भी चाहिए, आपको रिटेल ब्रांड्स भी चाहिए। तो उन्होंने उसको उस हिसाब से कमर्शियल्स को प्लान किया होता है, और मॉल की स्पेसेस रखी होती हैं डिफरेंट। तो हर जो टाउन प्लानिंग है उसको आपको बड़े गौर से स्टडी करना पड़ेगा कि टेक्निकली टाउन प्लानर्स ने किस कमर्शियल को, किस एरिया को, किस मकसद के लिए रखा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ट्रेंड, जो हमारा 6वां पॉइंट भी है। वजह यह है कि जाहिर बात है जब अगर आपके कमर्शियल प्लाजाज में स्पेशली आप जाते हैं तो वहां पे तो आपको इनिशियली पता नहीं होता कि ट्रेंड कहां पे बन रहा है,
और वहां पर रिस्क थोड़ा सा आपसे ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर किसी जगह के ऊपर ट्रेंड बन जाए रिटेल मेजर ब्रांड्स का या कॉर्पोरेट ऑफिसेस का, तो ऑब्वियसली अगर आपको पता हो पहले से या आप समझेंगे इस जगह के ऊपर ट्रेंड बन सकता है, तो ये एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है जो प्ले करेगा कि आपकी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में कैसे चलेगा। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि उस जगह के अंदर, या अगर सोसाइटी के अंदर प्लॉट है या कॉर्पोरेट बिजनेस ऑफिस है और या एक रिटेल एरिया है बड़ा, उसके अंदर आपको क्या अमेनिटीज हैं, क्या वहां पे एम्पल कार स्पेस अवेलेबल है, क्या वहां पर जो है वो आपके पास रिटेल एरियाज के अंदर फूड कोर्ट्स हैं, आपके जो है क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट एरियाज हैं, सिनेमाज हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये किसी भी कमर्शियल की सक्सेस के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं। और आपने किसी किस्म का भी कमर्शियल देखना तो आपने इन सात फैक्टर्स को अपने जहन में रखना। अब हम इन्हीं सात फैक्टर्स को जो हमने डिस्कस किए इनको इंप्लीमेंट करते हैं गोल्ड ट्रस्ट के ऊपर। हमारा सबसे पहला पॉइंट था लोकेशन। गोल्ड ट्रस्ट जो है बहुत ही सेंट्रल लोकेशन फेज 4DD में वाक्या है, जो फेज 3 वाई ब्लॉक और जेड ब्लॉक जो सबसे बड़ा रिटेल एरिया था उससे तकरीबन 500-600 मीटर के फासले पर है। और ये जंक्शन बनता है एक मेजर, जहां पर आपका न्यू एयरपोर्ट रोड और वाई ब्लॉक से आने वाली सड़क जो है ये सारा यहां पर मिलती है। उसके अलावा ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन के ऊपर बेतहाशा व्हीकलर ट्रैफिक, अगर आप जाएंगे तो आपको दिन में हजारों लाखों की तादाद में गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। और ये एरिया इंतहाई पॉपुलेटेड है, फेज 1, 2, 3, 4 DHA के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज हैं। सो लोकेशन के अतबार से अगर हम बात करें तो इस वक्त कमर्शियल एक्टिविटी के अतबार से गोल्ड क्रेस्ट इज रियली अ गोल्ड प्लेस एंड अ गोल्ड लोकेशन। दूसरा हमारा पॉइंट है रेंटल वैल्यूएशन के बाद। गोल्ड क्रेस्ट जो है वो तकरीबन इस वक्त 6% रेंटल गारंटी दे रहे हैं 3 साल में, और एक्सपेक्टेशन ये है कि जब चौथे साल के अंदर आप एंटर होंगे तो आपका जो रेंटल है वो 6% से ज्यादा पे आ रहा होगा, और इस पे 10% इंक्रीमेंट भी तकरीबन आपको मिलेगा। लिहाजा ये हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीटली फुलफिल करती है कि इसके अंदर जो रेंटल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत मुनासिब हैं, और ये ब्रांड्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए थर्ड पॉइंट भी है एंड दैट इज टेनेंसी। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, क्या गोल्ड क्रेस्ट के अंदर टॉप ब्रांड्स टॉप टेनेंट्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे, आएंगे नहीं आ चुके हैं। इस वक्त गोल्ड क्रेस्ट के अंदर अल्फता मॉल ऑपरेटिव है, सुपर मॉल है उनका, 62,000 स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर मौजूद है और शायद लाहौर में उनका सबसे बड़ा मॉल है। उसके अलावा कैम्ब्रिज, ग्रेस, ईडन रोब, एडिडास, ठीक है जी, एक्सटेप, और तकरीबन इसी तरह कोई 50 के करीब ब्रांड्स जो हैं टॉप के पाकिस्तान के ब्रांड्स जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। उसमें आने की उसकी वजह रीजन ये है कि ये लाहौर का DHA लाहौर का अपना पहला बड़ा ग्रैंड मॉल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वैलिड इन दिस सिचुएशन, ये फेज 3 और फेज 4 के जंक्शन पे वाक़ है, और फेज 1 और फेज 2 से बिल्कुल 5-7 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। DHA लाहौर जो है एक हाई अपर क्लास लोगों के रहने की जगह, जिनके पास बाइंग पावर भी मौजूद है, और जो यहां पर आके अपना शॉपिंग भी कर सकते हैं, उनके बच्चों के लिए एक तफरी मुकाम भी है। और तकरीबन यहाँ पे 26,000-30,000 फैमिलीज जो हैं, रिच फैमिलीज ऑफ लाहौर जो है इस एरिया के अंदर रह रही हैं, और इसके चारों तरफ डेंसली पॉपुलेटेड सोसाइटी है DHA लाहौर की, फेज 4 भी, फेज 3 भी, फेज 2 भी, फेज 1 भी, टोटली डेंसली पॉपुलेटेड। तो ये सारे लोगों को जो है उनको यही मॉल सूट करता है अपने विजिट्स के लिए, अपने आने के लिए, और दैट इज व्हाई नेबरहुड इज सो इंपॉर्टेंट। नेबरहुड में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस करूं कि DHA लाहौर की टाउन प्लानिंग के अंदर इस एरिया में कोई और बड़ा मॉल इस तरह का एग्जिस्ट नहीं करता, और इस एरिया के लिए ये मॉल डेडिकेटेड DHA लाहौर का मौजूद है। टाउन प्लानिंग की बात कर लें, मेरा ख्याल है इट्स क्वाइट कवर्ड, आप लोग समझ चुके होंगे कि इस एरिया में चूंकि DHA लाहौर का ये मॉल है, और फ्यूचर में कोई ऐसा कंपटीशन यहाँ पे नहीं हो सकता कि जी के कल को 10 घर
कोई जो है वो खत्म करके यहाँ पे कोई एक नया साथ एक मॉल बन जाए 50 किनाल के ऊपर 25 किनाल के ऊपर, तो इस मॉल को फ्यूचर में किसी किस्म का कोई थ्रेट किसी कंपटीटर से नहीं है। और चूंकि इसके पीछे सबसे बड़ा डेवलपर पाकिस्तान का DHA जो है वो मौजूद है, तो मेरे ख्याल में इस मॉल की सक्सेस जो है वो उसमें मुझे एटलीस्ट 1% भी शक नहीं है और ना ही आपको होना चाहिए। हमारा छठा पॉइंट जो है वो है कि ट्रेंड्स क्या हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर आप लाहौर को देखें तो पिछले कुछ सालों से एम्पोरियम मॉल वजूद में आया, फिर पैकेजेस मॉल वजूद में आया। DHA लाहौर ने इसे बहुत पहले ये मॉल प्लान किया हुआ था, लेकिन कुछ डिलेज की वजह से मॉल लेट डिलीवर हो रहा है। ये 2-4-5 साल पहले जो है वो आ जाना चाहिए था, बट नाउ इट इज देयर, इट इज इन पोजेशन, मॉल इज एक्टिव। तो ये जो रिटेल एरियाज का मॉल के अंदर मूव करना है, ये लेटेस्ट ट्रेंड है। और अगर आप ये देखें Phase 3 से ऑलरेडी जो रिटेल मार्केट है दे आर मूविंग इन। जैसे कि पहले आपको मैंने बताया कि जो ब्रांड्स अंदर मूव कर गए उनमें टेक्निकली मैक्सिमम ब्रांड्स वो हैं जो ऑलरेडी Phase 3 वाई ब्लॉक और जेड ब्लॉक के अंदर मौजूद थे। और इसी वजह से वाई और जेड ब्लॉक मार्केट जो है या वो जो कमर्शियल एरिया है वो कुछ अरसे के लिए सफर करेगा एज फार एज टेनेसी इज कंसर्न, रेंटल्स आर कंसर्न और कैपिटल गेंस इज कंसर्न, क्योंकि वहां से सारी रिटेल मार्केट एटलीस्ट 80-90% और हाई एंड मार्केट जो है वो शिफ्ट कर जाएगी इस मॉल के अंदर। तो ऑब्वियसली ट्रेंड इज एस्टेब्लिश्ड और आई थिंक यू नो इट्स गोइंग टू बी द सेम वे मूविंग फॉरवर्ड। जिस तरह Phase 6 में डॉल्फिन मॉल बन रहा है, रिटेल एरियाज और हाई एंड रिटेल एरियाज विल रिमेन इन मॉल्स एंड नॉट एनी मोर इन कमर्शियल प्लाजास। आखिरी हमारा पॉइंट रिगार्डिंग मॉल्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि ये रिटेल एरिया है तो क्या ये रिटेल एरिया इन चीजों को फिट इन करता है, क्या ये ऑफर कर रहा है वो सारी अमेनिटीज जो एक प्रॉपर रिटेल एरिया में होनी चाहिए, एक सक्सेसफुल मॉडल में रिटेल मॉडल के अंदर होनी चाहिए। तो यस, हमारे पास 1100 गाड़ियों की पार्किंग है। कोल्ड ड्रेस में 4 सिनेमास, इसमें 2 लग्जरी हैं, 2 बड़ी स्क्रीन हैं, उसके अलावा फूड कोर्ट है। तकरीबन 12-15 हज़ार स्क्वायर फिट का बच्चों का एंटरटेनमेंट का बड़े फन सिटी बनने जा रही है, जिसके अंदर चलो प्ले के एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। सिनेमाज में भी चलो सिनेमा जो है वो आ रहा है और दिसंबर जनवरी में ऑपरेटिव है। उसके अलावा जब आप फूड कोर्ट की बात करें तो इसमें बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं। फूड कोर्ट के बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं फूड के जो यहाँ पे आ रहे हैं। उसके अलावा 2 जो है ओपन रूफ गार्डन्स रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जहाँ पर फाइन डाइनिंग के आपके पास ऑप्शंस होंगे। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। उसके अलावा मॉल इज प्रॉपरली मैनेज्ड, रेंटल इज मैनेज्ड, योर टेनेंसी इज मैनेज्ड, एवरीथिंग जो आप सोच सकते हैं एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए वो इस मॉल के अंदर मौजूद है। और हमारे जो 7 मेन फैक्टर्स जो मैं समझता हूँ कि एक रियल एस्टेट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के अंदर होने चाहिए, उस पर ये मॉल पूरे तरीके से पूरा उतरता है। सो गाइस, दैट इज ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।